सो गाइस, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के एपिसोड नंबर 19 के थर्ड स्टंट में हमें पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है जो फाइनल स्टंट करने वाला है। गाइस आपको बता दें कि ये स्टंट काफी डेडेविल स्टंट था और स्टंट कुछ ऐसा था कि कंटेस्टेंट्स को करना कुछ ऐसा था कि एक बॉक्स के अंदर काफी सारी तारें लगाई गई हैं और उसी बॉक्स से बॉटम में तीन चाबियों को वायर से बांधा गया है और फिर कंटेस्टेंट को उसके अंदर हाथ डालकर उन वायर्स को खोलकर उन तीनों चाबी को बाहर निकालना है। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि उस बॉक्स के अंदर जितनी भी वायर लगाई हैं उन सभी वायर्स में काफी फ्लो में करंट बह रहा है, जिसके बाद फिर तीनों चाबी को हासिल करके बाहर पड़े तीनों लॉक्स को खोलना है, जिसके बाद फिर कंटेस्टेंट को एक सैंड बैग मिलेगा और फिर कंटेस्टेंट को उस सैंड बैग को पकड़ के बजर बजाना है, जिसके बाद फिर एक रोप उनको बहुत तेजी में खींचेगा और फिर कंटेस्टेंट को रोप पे लटके हुए ही सैंड बैग को बुलजाई के ऊपर फेंकना है और जिस भी कंटेस्टेंट का एम एक्यूरेट होगा वो ये स्टंट को जीतकर फाइनल स्टंट में जाएगा, जिसके बाद फिर सबसे पहले बारी आती है करणवीर की। और करणवीर की शुरुआत काफी बेकार होती है क्योंकि उसको करंट से काफी डर लगता है, मगर जैसे तैसे रोहित शेट्टी उसका हौसला बढ़ाते हैं और फिर करणवीर तीनों चाबियों को काफी टाइम लेता है निकालने में, फिर वो लॉक्स को खोलता है और सैंड बैग को अपने हाथ में लेकर बजर बजाता है, जिसके बाद फिर करणवीर को रस्सी बहुत जोर से खींचती है और फिर करणवीर अपना एम लगाते हुए बुलजाई के काफी नजदीक सैंड बैग को गिराता है। फिर बारी आती है शालिन की। शालिन की शुरुआत काफी अच्छी होती है क्योंकि उसको करंट झेलने की आदत है और फिर वो तीनों चाबियों को काफी फटाफट से निकाल लेता है और तीनों लॉक्स को भी खोल लेता है, जिसके बाद फिर रस्सी उसको काफी तेजी से खींचती है, मगर यहाँ पर शालिन गलती कर देता है और जैसे ही वो सैंड बैग को ड्रॉप करता है तो वो बुलजाई के आजू बाजू भी नहीं गिरता, जिसके बाद फिर करणवीर इस स्टंट का विनर बन जाता है। अब करणवीर फाइनल स्टंट परफॉर्म करेगा और अब दो और कंटेस्टेंट हमें फाइनल स्टंट में देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो दो कंटेस्टेंट कौन होंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।